नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको कुछ अलग हटके, यानी कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन आज मैं आपको तीन चीजें ऐसी बताने वाला हूं, तीन ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिसकी वजह से जो है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी मेरे पास आते रहते हैं और जिसमें सबसे कॉमन सवाल आता है कि सर मैंने CCNA किया हुआ है, CCNP किया हुआ है और नेटवर्किंग के बहुत सारे अलग सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जो है आईटी के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्किंग की या किसी भी तरह की जॉब जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो सर यहां पे जो है सर्टिफिकेशन होना सिर्फ जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज भी होनी चाहिए, हमारे अंदर कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए। और आज मैं तीन आपको ऐसे रीजन बताऊंगा जहां पर हम लोग अप्लाई करते वक्त गलती करते हैं, हम लोग वहां इंटरव्यू फेस करते वक्त गलती करते हैं और हमें जो है जॉब नहीं मिलती है। दोस्तों यहां पे तीन रीजन क्या है वो बताने से पहले मैं बता दूं आपको, चैनल बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि यहां पे आपको मिलते हैं बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस जो आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से नीचे साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे कि तीन ऐसे कौन से रीजन है जिनकी वजह से हमें सर्टिफिकेशंस होने के बावजूद भी कई बार जॉब जो है उस रिक्वायर फील्ड के अंदर नहीं मिल पाती है, और उसके बाद हमें जो भी जॉब मिलती है, जिस भी फील्ड में मिलती है, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कॉम्प्रोमाइज करके वहीं पे काम कर लेते हैं। दोस्तों यहां पे पहला जो चीज है, जॉब हमें कब मिलेगी? जॉब मिलेगी तब जब हम कहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन आप लोगों का ये सवाल होगा कि यार हम तो बहुत जगह अप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी हमें जो है ना तो कोई कॉल आता है, ना ही हमें कोई ईमेल का रिवर्ट आता है। दोस्तों यहां पे बता दूं कि जॉब अप्लाई करना यहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको आपका जॉब अप्लाई करते वक्त आपको अपना जो रिज्यूमे है, आपका जो CV है, उसको आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारी गलतियां यार मैंने करीब 14-15 साल मैंने कॉर्पोरेट्स के साथ में काम किया है और बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स मैंने किए नेटवर्क इंजीनियर्स के, आईटी फील्ड के लिए बहुत सारे लड़कों की, बहुत सारे इंजीनियर्स की हमने रिक्वायरमेंट रखी होती थी और वहां पे मैंने रिक्रूटमेंट भी किए, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, बहुत सारे CVs मैंने देखे हैं। यहां पे जो CV हमारे पास आते थे, मैं खुद का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, उसमें थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए और क्या इंप्रूव करना चाहिए वो भी बताऊंगा। यहां पे जो CV हम लिखते हैं, यानी कि जो रिज्यूम को हम लिखते हैं, वहां पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि हम भी उसी तरह का CV बनाते हैं जैसे कि बाकी हजारों लोग, लाखों लोग बना रहे हैं। तो हम दूसरों से डिफरेंट कैसे हुए? क्योंकि यहां पे मेरे सामने भी अभी PC के ऊपर बहुत सारे CV मेरे पास अभी भी आते रहते हैं, उनमें से मैंने कुछ दो CV अभी ओपन करके रखे हैं जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, किसका है क्या है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम जो गलतियां करते हैं वो चीज बताने वाला हूं। तो सर रिज्यूम के अंदर जो है हम क्या करते हैं, जो एग्जैक्टली बाकी लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अब क्या गलती कर रहे हैं हम, यहां पे देखिए, पहला मैं एक CV का यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे हमने हमारे क्वालिफिकेशंस, हमारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह लिखे हुए हैं, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि मैंने BCA किया हुआ है, मैंने MCA किया हुआ है, ठीक है, एग्री। अब इसके बाद हमने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर हमने लिखा है कि CCNA किया हुआ है, CCNP किया हुआ है, राउटिंग एंड स्विचिंग, ठीक है, यहां तक बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इसके बाद जो है हम वापस क्या गलती करते हैं, उसी के बिल्कुल नीचे साइड पे जहां पे हमने ये क्वालिफिकेशन लिख दी, उसी के नीचे साइड पे यहां पे एक और चीज यहां पे लिखी हुई है, की स्किल्स। अब की स्किल्स क्या लिखी हुई है यहां पे, लैन केबलिंग और इंस्टॉलेशन, सर्वर और क्लाइंट आर्किटेक्चर, सिस्को राउटर्स और उसके आगे उसके मॉडल नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। राउटिंग के अंदर आपने लिखा हुआ है यहां पे OSP, EIGRP, BGP, ठीक है, और यहां पे रिप लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपने जो है नेट लिखा है, पैट लिखा है, VPN लिखा है, बैकअप,
बहुत सारी चीजें लिखी हैं। उसके बाद आपने लिखा है स्विचेस, उनके नंबर लिखे हुए हैं, कुछ के मॉडल नंबर लिखे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एसटीपी, वीलैन, पोर्ट सिक्योरिटी, तो ये क्या है? जब आपने लिख दिया कि आप जो है क्या हो, आप सर्टिफाइड हो सीसीएनए, सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग आपने कर रखा है यार, उतना ही बताना आपके लिए बहुत हो गया। क्योंकि अगर आपने वो किया है तो डेफिनेटली यार ये चीजें तो आपको आती ही होंगी, तभी आपने जो है सीसीएनए पास किया है, तभी जो है आपने सीसीएनपी पास किया हुआ है। तो ये चीजें जो है बार बार लिखने की जरूरत है। यहां पे बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। एक दूसरा सीवी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे पढ़ के बताता हूं, दिखा नहीं पाऊंगा। यहां पे लिखा है सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर हमने जो है सर्टिफिकेशन किया हुआ है। अब उसी में नेटवर्किंग लिखा है नीचे की स्किल्स के अंदर। अब यहां पे लिखा है सिस्को राउटिंग एंड स्विचिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल रिप, ओएसपी, बीजीपी, वीलैन, एसटीपी, टीसीपी आईपी, डीएनएस, डीएचसीपी। अब ये सब बताने की कहां जरूरत है? आपको रियली लगता है कि आपके स्किल कुछ और हैं, जो आपने सर्टिफिकेशन किए वो कुछ और हैं? ये हम गलती करते हैं कॉमन कि हमने ये सर्टिफिकेशन किया है, दैट्स ऑल, हमने क्या कराया वो ठीक है। अब बाकी सब लोग भी वही लिख रहे हैं, आप भी वही लिख रहे हो, तो जब भी कोई रिक्रूटर जो है वो जब देखते हैं आपका सीवी को, जब आप पहुंचता है आपका उनके पास, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने क्या डिफरेंट किया है, राइट? आप दूसरों से अलग कैसे हो? तभी तो आप जब दूसरों से अलग दिखोगे तभी तो आपको वहां पे कॉल आएगा। तो ये गलतियां हम करते हैं, ये गलतियां मत करो। आपने जो सर्टिफिकेशंस किए हैं दैट्स ऑल, सामने वाला समझता है कि आपने सीसीएनए किया है, उसको मालूम होगा कि उसने सीसीएनए में आपने क्या क्या सीखा होगा। आपने सीसीएनपी किया हुआ तो सामने वाले को मालूम है कि सीसीएनपी के अंदर क्या क्या कराया जाता है, तो दे नो ऑल दैट थिंग, राइट? तो ये दोबारा से हमें जो है स्किल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब यहां पे आपको अगर कुछ लिखना है, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो आपको यहां पे एक हाईलाइट करके शेयर दी एक्सपीरियंस, शेयर दी डिफिकल्टीज जो आप कहीं आपने फेस करी, उसके दौरान आपने जो है क्या क्या किया, किस तरह से उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के आए। तो इस तरह का आप जो है कुछ अगर लिखना है तो इस तरह का कुछ हाईलाइट करके लिख दो, विच विल मेक योर सीवी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। दिस इज वन, ये पॉइंट नंबर वन था। दूसरा पॉइंट, जब हम हमारे पास कॉल आ गई है, हमें दूसरी जगह पे जब हम पहुंचते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, हम सबसे पहले जो है, अब मालूम है हमें कि हम नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यार वहां पे सामने कोई हमसे काफी नॉलेजेबल, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन ही बैठा होगा जो हमारी इंटरव्यू लेगा, और वो इंटरव्यू आपकी कोई नॉन टेक्निकल काम की तो लेगा नहीं, क्योंकि आप टेक्निकल के लिए जा रहे हो तो टेक्निकल की ही लेगा। तो आप बहुत सारी जगह पे हमने देखा कैंडिडेट आते हैं लेकिन वो क्या है, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। आता सब कुछ है, नो डाउट दे हैव डन सर्टिफिकेशंस, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, वो आप उनको सामने रख दो, यू मिनटों में चीजें कर सकते हैं, लेकिन सामने इंटरव्यू के लिए जब बैठते हैं वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। यानी कि यार कोई जरूरत नहीं है आपको कॉन्फिडेंस लूज, बी इन द कॉन्फिडेंस, मतलब आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको जो आता है वो आपको आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, राइट? सिंपल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिक्रूटर आपको मना कर देगा, बॉस ये तुझे नहीं आता और ये मेरी रिक्वायरमेंट थी तो आई एम सॉरी, यही बोलेगा। फिर हम कॉन्फिडेंस हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जाते से नर्वस हो जाते हैं, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है, जो भी पूछा जाए जो आता है से विद दी कॉन्फिडेंस, ये है ये है ये है, सिंपल। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए गए हैं तो यहां पे इंटरव्यू में बट ऑब्वियसली जब हम कोई आंसर करेंगे तो आंसर जो है हमें बहुत ही तरीके से देनी है। अब तरीके से मेरा कहने का मतलब है यहां पे आपको द वे यू शुड आंसर दी क्वेश्चंस कि सामने वाले को फील हो कि आप उनकी टीम के अंदर जब ज्वाइन करोगे यू आर गोइंग टू एड वैल्यूज। अगर आप कोई वैल्यूज एड ही नहीं करने वाले, से फॉर एग्जांपल यू नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट? आपको मालूम है आपने सीसीएनए किया है, सीसीएनपी किया हुआ है, आपको मालूम है स्विच कैसे काम करते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस तरह से कॉन्फिगर होते हैं, तो फिर आप यहां पे, बहुत सारे मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं, जब सामने वाला पूछता है तो आप हमारे लिए क्या
खास कर सकते हैं? सर मुझे ये सब तो आता है लेकिन आप तो हैं ही मुझे सिखाने के लिए। हम जनरली ये दे देते हैं आंसर कि आप तो बैठे हैं सिखाने के लिए, राइट। ये शब्द कभी मत बोलना, क्योंकि सामने जो रिक्रूटर बैठा हुआ है, जो रिक्रूट करने के लिए बैठा है, प्रोफेशनल करियर के अंदर सिखाने के लिए कोई नहीं बैठा, कोई भी नहीं सिखाने वाला, कितना भी अच्छा इंसान हो नहीं सिखाएगा। अंटिल अनलेस जब आप टीम के अंदर पहुंच गए हो, आपकी एक अच्छी बाउंडिंग हो गई है, उसके बाद वो सिखा रहा है, दैट इज सेपरेट इशू। बट अगर वो आप इंटरव्यू के लिए गए हो और वहीं पे आप ये बोल दोगे कि आप सिखा ही दोगे हमें, तो यहां पे कोई सिखाने नहीं बैठेगा। आपको जो आंसर्स करने हैं बहुत ही स्मार्टली करने हैं, कि आपको ये शो करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू एड वैल्यूज व्हेन यू आर रिक्रूटेड। अगर आप वैल्यूज नहीं शो करोगे कि आप किस तरह से वैल्यूएबल हो, आप किस तरह से उनके नेटवर्क जो आर्किटेक्चर है उसमें किस तरह से काम करोगे, नेटवर्क को इंप्लीमेंट करना है, कहीं नया इंप्लीमेंटेशन होना है तो वो किस तरह से करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, आप ये चीजें आपकी उस वक्त नहीं बताओगे, स्मार्टली ये चीजें नहीं क्लियर करोगे, तो आप जो है ये लगेगा कि यार आप सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, आपने सिंपल उस क्वेश्चन का एज इट इज रिप्लाई दे दिया, और उसने पूछा आपका नाम क्या है तो आपने अपना नाम बता दिया, सामने वाले ने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपने यहाँ पे चालू कर देते हैं जल्द, सर मेरा नाम ये है, मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर ये हैं, राइट। तो इस तरह की हम स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं करना है, बिकॉज जो सामने रिक्रूटर बैठा हुआ है उसके सामने आपका सीवी रखा हुआ है, आपके मदर फादर क्या करते हैं क्या नहीं करते वो आपने मेंशन किया हुआ, आपकी एज क्या है वो सब उन्होंने लिखा है, बट दे वांटेड टू नो कि अब आप ये बताओ कि अगर हम आपको रख लें तो बताओ आप हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होंगे। तो आप क्योंकि सीवी में हर चीज जो है लिख कर नहीं दे सकते, तो जो चीजें आपने नहीं लिखी हैं उन चीजों को आप लिख बताएं कि हमने ये किया था तो यहां पे ऐसा ऐसा हमने इंप्लीमेंटेशन किया था, कहीं कोई प्रॉब्लम आई थी तो वो हमने कैसे रेक्टिफाई करी थी, राइट। तो इस तरह की चीजें रखो ताकि सामने वाले को लगे यार आप उनके लिए वैल्यू ऐड करोगे जब आप उनकी टीम में आओगे, क्योंकि हर इंसान जो टीम का मेंबर होता है वो एक अच्छे पिलर की तरह होना चाहिए, जिस तरह से मकान की छत को जो है एक पिलर भी अगर वहां से हिल जाए तो छत जो है वहां से बैंड होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पे जो भी टीम में लेना चाहता है आपको, वो कभी ये नहीं चाहता कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप ही हो उस वक्त ड्यूटी पे और कोई नेटवर्क के अंदर इश्यूज आ गए तो उस वक्त आप सामने बॉस को कॉल करते रहोगे या दूसरी टीम मेंबर्स को कॉल करते रहोगे और खुद जो है कुछ भी नहीं कर पाओ। तो ऐसा कोई भी टीम मेंबर कोई भी रिक्रूट नहीं करना चाहता है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये तीन चीजें समझ में आई होंगी। पहला, आपको रिज्यूम में जो चीजें स्पेसिफाइड होनी है वही लिखे, बार बार जो ये छोटी छोटी चीजें हम लिख देते हैं ये हमारी एक बचकानी हरकत शो करता है। दूसरी चीज, हमें जब इंटरव्यू के लिए पहुंचे कॉन्फिडेंस रखें, बिल्कुल वहां पे जाके जो है नर्वस ना हो, जो भी आता है से विद द कॉन्फिडेंस सिंपल। और तीसरा, आप जब भी आंसर करें तो ऐसा आंसर दें कि सामने वाले को लगे कि आप उनकी टीम में एंटर करने होंगे, तो डेफिनेटली यू आर एडिंग वैल्यू टू देयर टीम, ना कि आप उनकी टीम के ऊपर एक बर्डन बनने जा रहे हो। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें। और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।